मामा जी आपको मालाएं लाने के लिए कहा था ना। हाँ तो ये क्या, ये रही ना, ये माला मेहता और ये माला देसाई। ओह मामा जी ये मालाएं नहीं, वर मालाएं। अरे माला यहाँ रखिए। अरे तू ऐसी माला डलवाएगा? अरे गर्दन ऊंची कर। और अनु तू ऐसे ही माला डाल देगी? अरे इसे थोड़ा इंतजार करा। और कितना इंतजार करवाएंगे जी के? किसी के हाथों में प्रेम की लकीर होती है तो किसी के हाथों में धन की लकीर। तेरे हाथों में तो ऊपर वाले ने इंतजार की लकीर दी है। आज इस लकीर को मिट जाने दीजिए। ये वरमालाएं बरसों इस पल के लिए तरसी है, इसीलिए अब कोई इंतजार नहीं होगा, कोई देर नहीं, कोई शरारत नहीं, सीधा वरमाला होगी। आज बरसों के इंतजार के बाद माथे पे चंदन का टीका लग गया। ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर में कोई दीपक जल रहा हो। प्रेम के मंदिर में दीपक तो जला है मां। शादी का सारा फन मस्ती छोड़ के किससे मैसेजेस पे बातें हो रही है? भाई मैं मैसेजेस पे बातें नहीं कर रही हूँ। वो तो मम्मी और अनुज जी की जो रस्में हुई थी ना उसकी पिक्चर्स पे लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, व्हाट? ये कैसे हुआ? सीना, अरे लोग हैशटैग मान की शादी वाले हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं। दिखा दिखा दिखा, सी ये अनु और अनुज ने क्या कोई एफडी कराई हुई है? क्या ये एफडी एफडी क्यों लिखा हुआ है? अरे मासी एफडी मतलब फैंडम, मतलब ये वो लोग हैं जो मम्मी और अनुज जिसे बहुत 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 प्यार करते। हाउ स्वीट, लेट मी रीड वन सेकेंड। ये यहाँ पे तो शिकायतें भी लिखी हुई हैं। ये देखो कपड़े अच्छे नहीं है। वन सेकेंड, बाल ने फंक्शन क्यों अटेंड किया? इनको बा के बारे में कैसे पता चला? अरे मासी वो सारे जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं ना वो एक ही हैशटैग के साथ है तो उन्हें सब कुछ एक साथ दिख जाता है। ओह वाओ, यस। और जैसे कि मम्मी कहती है शिकायतें और कंप्लेंट उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें हो। तो देखो आप, हर शिकायत और कंप्लेंट के पीछे उतना ही प्यार है जितना हर तारीफ और कॉम्प्लीमेंट के पीछे। वरमाला से पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था लेकिन अब यकीन हो गया है और अब इस यकीन पे यकीन ही नहीं हो रहा। भगवान हमारे अनु और अनुज को हमेशा खुश रखे। ये लोग वैसे तो मिडिल क्लास है पर हर फंक्शन में इनके कपड़े देखो। गली के टेलर से सिलवाते। आ जा भाई, इसे भी एड्रेस दे ही देते हैं। शान, अरे बे शान, नेक्स्ट कपड़े, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखो, अरे वाह, इतना खुश तो मैं अपनी शादी में भी नहीं हुआ जितना कि मैं मान की शादी से हो रहा हूँ। वाह, पीपल आर एंजॉयिंग दिस, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। ओके, मान की शादी हमारे लिए त्योहार है। ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली में
मेहंदी पे बा का नाम क्यों लिखवाया है? ओ बा 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 टू मच ऑफ हेट फॉर बा वेल उन्होंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं। अरे एक सेकंड, ये अपना फॉरेस्ट किंग कौन है? लोग तो उससे बहुत नाराज हैं। एक्स हस्बैंड वनराज। पापा ओके सॉरी काव्या। तू भी वही कहने आए जो काव्या और देविका कह चुकी, ये सब भूल जाओ, अनुपमा की खुशी में शामिल हो जाओ। सब भूल जाओ कहना जितना आसान है उतना ही भूलना मुश्किल होता है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले तू कुछ नहीं कहने आया। तो फिर क्या कहने आया? मैं रसम का नारियल लेने आया था। अरे वाह काना जी, अनु ने 27 साल बहुत दुख देखे, अब अगर उसने आगे दुख देखे ना तो मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी। ये काना जी से बात कर रहे हैं अपने दोस्त से? कौन कहता है समाज बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। वन स्टेप एट अ टाइम, और पहला स्टेप अनुज और अनु ने लिया। ट्रू। चाहे दादी की शादी हो या परदादी की शादी हो, हर शादी शहजादी की शादी होती है, तो हर दुल्हन और हर दूल्हे को सम्मान मिलना चाहिए। Well, that's true. Thanks to social media, कि हम लोगों को ये पता चल पा रहा है कि मम्मी और अनुज ने कितने लोगों की जिंदगी को छुआ है और हर कपल को जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दी और पूरे इंडिया को कपल गोल्स दिए हैं। कान्हा जी थैंक यू, आपने उन दोनों को सपोर्ट किया, सेकेंड चांस दिया, और प्लीज 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 बाकी लोगों को भी सेकंड चांस दे दीजिएगा।